हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग इसरो में इंटर्नशिप कैसे पा सकते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लोगों का सपना और अपना भी सपना हो सकता है दोस्तों कि हम लोग जाकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटर्नशिप कर सके। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। कुछ ही साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि दोस्तों 10 रुपए लगते हैं 1 किलोमीटर एक बार रिक्शा से ट्रैवल करने के लिए, जहां पर हम लोग मार्स पहुंच गए सिर्फ 6 रुपए पर किलोमीटर पे। यस दोस्तों, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि आगे आने वाली दुनिया में इसरो कितनी प्रगति करने वाला है, और इस प्रगति में देश के नाम पर अगर हमारा एक भी नाम जुड़ जाए, हम लोग इसरो का एक पार्ट बन सके, तो काफ़ी अच्छा लगेगा हम लोगों को। तो काफ़ी लोगों का सपना होता है इसरो में इंटर्नशिप करने का। आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे आप इसरो में कैसे इंटर्नशिप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं गेट एग्जामिनेशन की, तो अभी जाकर आपको चेकआउट करना चाहिए अनअकैडमी को। अनअकैडमी में न्यू बैचेस स्टार्ट किए गए हैं, जहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर न्यू बैचेस देखने को मिलेंगे, आरोहन बैचेस, जहां पर तैयारी करवाई जाएगी फॉर द 2023 गेट एग्जामिनेशन। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की आप अगर बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इनमें कोर्सेज में स्पेशल ऑफर्स भी अलर्ट पा सकते हैं। स्पेशल ऑफर्स में दिस वीक 12 मंथ के कोर्सेज में काफी ऑफर्स किया गया है। साथ में अगर आप लोग गेट कॉम्बैट देते हैं, गेट कॉम्बैट के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, जहां पर इस एग्जामिनेशन को देने से आप लोगों के काफी डिस्काउंट्स आपको देखने को मिलेगा फुल कोर्स प्राइस में, और साथ में आप कुछ अवेल भी कर सकते हैं, कुछ स्पेशल गिफ्ट्स भी पा सकते हैं अगर आपने टॉप रैंक्स किया है। तो आप लोगों को कुछ भी फ्री के वीडियोस देखने हैं, या फ्री के टेस्ट देने हैं, या फिर आप लोगों को कोई भी कोर्स में 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए, जो भी टोटल कॉस्ट प्राइस है उस पे, तो आप लोग यहाँ पर ट्रिक स्टार कोड का यूज कर सकते हैं, जो हमारा चैनल का फर्स्ट नेम है। एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी जाकर आप लोगों को अनअकैडमी को चेकआउट करना चाहिए। लिंक्स जो है अनअकैडमी की, सारे गेट कॉम्बैट सीरीज और सारे बैचेस की, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जरूर जाके अभी उन्हें चेकआउट करें। चलिए वीडियो के साथ हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक, और मैं ऐसी ही वीडियोस बनाता हूं जहां इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है। तो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स, कौन कौन से स्ट्रीम से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसरो के इंटर्नशिप्स में। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको कह दूं, आपको बीटेक होना पड़ेगा या फिर एमटेक। इसके साथ साथ आप एमसीए भी कंप्लीट करने वाले हो सकते हैं, या फिर आप लोग जैसे कि नॉर्मली आपने एमएससी किया हुआ है, तो आप जाकर जो है यहाँ पर अपने आप को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। इसरो शब्द से ही पता चलता है साइंस वाले बंदे ज़्यादा एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास 65% से कम है, 6.5 CGPA से कम है, तो दोस्तों कम चांस है आप लोगों की। हमेशा मेंटेन करेंगे 65% से ज्यादा हर एग्जामिनेशन में। ड्यूरेशन की बात करें दोस्तों, कितने ड्यूरेशन होती है इंटर्नशिप्स की, तो ड्यूरेशन डिपेंड करता है। मैक्सिमम देखा गया है 3 महीनों से लेकर आपको 1 सालों तक का इंटर्नशिप का ड्यूरेशन हो सकता है आपका। दोस्तों, अगर आपको इंटर्नशिप करनी है, तो आप लोगों को 2 तरीके की इंटर्नशिप हो सकती है। आज के दिन में वर्क फ्रॉम होम है, बट आज से कुछ सालों पहले सारे के सारे इंटर्नशिप थ्रू द सेंटर होते। तो अगर हम लोग बात करें तो कहां होगी इंटर्नशिप, तो ये सारी प्लेसेस हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी 8 से 10-12 प्लेसेस हैं जहां पर आपकी इंटर्नशिप हो सकती है। यहाँ पर इन पोजीशंस में आजकल की दुनिया में वर्क फ्रॉम होम मैक्सिमम देखा गया है, पर अगर इन जगहों पर होती है, तो आप लोगों को हॉस्टल की अकोमोडेशन की रुपीस आपको खुद भरनी पड़ती है। उसके अलावा आप लोगों के खाने पीने के कुछ खर्चे वहाँ भी मेंटेन हो जाएंगे, और साथ में आपका चल जाएगा। अब दोस्तों, काफी बड़ी सवाल ये आती है, जानकारी तो मिल गई विवेक, पर अप्लाई कैसे करें, कैसे लग सकती है यहाँ पर इंटर्नशिप। अप्लाई करने के लिए इंटर्नशिप दोस्तों, आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखने की जरूरत है। एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं, ये एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आपको खुद लिखनी पड़ेगी कि आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। साथ में आपको एक अपना रेज्यूमे भी बनाना पड़ेगा। साथ में आप लोगों को आपके कॉलेज के प्लेसमेंट हेड या फिर आपकी एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में आपको एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, जिसमें आप लोगों को मिले नो ऑब्जेक्शन लेटर। नो ऑब्जेक्शन लेटर इसका मतलब आप अपने कॉलेज के स्टडीज के अलावा यहां पर काम भी करेंगे, और इसमें आपके कॉलेज को कोई भी ऑब्जेक्शन ना हो। इस लेटर के बिना आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इस लेटर को आपको 2-4 पहले महीने ही बना लेने पड़ेंगे, तभी जाकर जो है अप्लाई कर सकें। इसमें सबसे फायदेमंद ये होगा कि आपका कॉलेज अगर बड़ा पोस्ट पे है,
अच्छी कॉलेज है या फिर आपकी इतनी अच्छी कॉलेज नहीं भी है बट आपको रिक्रूटमेंट के बारे में पता चला है, ऐसा कोई इंटर्नशिप पता चला है, तो आप लोगों को आपके कॉलेज के एच ऑफ द डिपार्टमेंट को ही इम्प्रेस करना पड़ेगा कि आपकी एच ऑफ द मतलब HOD ही इस चीज़ को मेल कर दे। अगर कॉलेज से मेल जाती है तो अप्रूवल होने का ज़्यादा चांस होता है, बट अगर फॉर एग्जाम्पल आप खुद भी भेजते हैं तब भी आपके पास चांसेस रहती हैं। और साथ में अभी सेकंड मेथड आता है, जैसे कि एक मेथड तो ये हो गया, सेकंड मेथड है जैसे कि मैंने बताया इसी दौरान ऑनलाइन एप्लीकेशंस निकल रही हैं। बीच में मैंने भी एक बार बताया था, एक बार कुछ सी निकली थी तो इसमें बीच बीच में निकलती रहती है इसरो की, DRDO's की, तो आपको खुद ही अप्लाई करनी पड़ेगी। बट नो ऑब्जेक्शन लेटर, साथ में आप लोगों का रेज्यूमे, कवर लेटर और आप लोगों की SOP मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और कुछ कुछ एक्स्ट्रा आपके सेमेस्टर के रिपोर्ट्स, सब कुछ आपको जुगाड़ करके रखना पड़ेगा जिससे आप भेज सकें। ऐसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही आपको क्यों सेलेक्ट करना चाहिए। अब दोस्तों अप्लाई करने का मेथड भी काफ़ी हद तक हमने सीख लिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार देखें, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी पता चल जाएंगे, आपको सारी चीज़ें भी पता चल जाएंगी। अभी हम लोग को बात करनी है कि भाई एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हैं, क्या हमें इन रिटर्न मिल सकता है। अगर भाई एक बात तो पता है कि देश की काम के लिए जा रहे हैं, अगर हम आर्मी में ही भर्ती होना है, आप बिना कोई सैलरी के तो भर्ती नहीं हो सकते। आई हैव सम एक्सपेक्टेशंस, राइट? सो अगर हम फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो क्या मिल सकता है इसरो से। तो इसरो में सबसे पहली एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों को कोई भी स्ट्राइपेंड नहीं मिलेगा। यस दोस्तों, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइपेंड्स ना के बराबर होते हैं, पर कुछ सालों से देखा गया है 1000-2000 जो वर्क फ्रॉम होम की चीज़ें हैं उनमें स्ट्राइपेंड्स अब से रखा जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटर्नशिप्स पोर्टल भी खोला है, AICT इंटर्नशिप पोर्टल भी खुली है। तो इससे भी पता चलता है कि हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ स्ट्राइपेंड रखा जाए, बट अभी तक कोई भी स्ट्राइपेंड नहीं देखा गया है। साथ में आप लोगों के अकोमोडेशन जो चार्जेस होंगे वो खुद आपको कुछ से पे करने पड़ेंगे, खाने पीने का चार्जेस कुछ आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लर्निंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप लोगों के जो सर्टिफिकेशन होगी इंटर्नशिप्स की उसकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा होगी मार्केट में। इसके अलावा अगर आप लोग बाद में कभी एग्जामिनेशंस क्रैक कर जाते हैं इसरो में रिक्रूट होने, तो इस चीज़ का वैल्यू काफ़ी रखा जाएगा आपके ऊपर, आपके जो रेज्यूमे में। और इसके अलावा अगर आपको अंदर में कोई भी प्रोफेसर बाद में रिकमेंडेशन कर देते हैं किसी जगह, आप लोगों के रिज्यूमे में कुछ ज़्यादा वैल्यूएशन ऐड कर देते हैं, तो इस चीज़ का जो वैल्यू है अंदर के साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट का काफ़ी पकड़ा जाता है। तो इस चीज़ से जो है आप शायद इसी पर्टिकुलर फील्ड में या फिर आपने जैसे वहाँ पर जाके AI ML या किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में वर्क किया, उस पर्टिकुलर सेक्शन में इतने बड़े साइंटिस्ट अगर आप लोगों को रिकमेंडेशन देते हैं सो काफ़ी ज़्यादा उसका वैल्यूएशन आ जाता है। तो इससे जो है ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वंडरफुल एनवायरनमेंट टू वर्क इन। चलिए बात कर लेते हैं कुछ टिप्स की, सेलेक्ट होना है कुछ टिप्स तो देना पड़ेगा भाई। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ऐसे आंसर्स क्वेश्चंस भी पकड़ लेने हैं, इंटरनेट पे रिसर्च करें व्हाट आर द क्वेश्चंस आस्क्ड फॉर माय पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, काफ़ी डिपार्टमेंट्स में होता है। अब इसके अलावा चलिए अभी आगे बात करते हैं, इसके क्वेश्चंस तो हमने जानकारी ले ली, किन किन चीज़ों का सेमेस्टर रिपोर्ट में ध्यान रखेंगे, 8 CGPA से ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश करेंगे हर सेमेस्टर में, तो सिलेक्शन होने की क्राइटेरियाज बढ़ जाएंगे, कोशिश करेंगे ज़रूर बढ़ेगा। इसके अलावा आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो काफ़ी ज़्यादा गुड हो, आप एप्लीकेशन को कोशिश करें HOD से अप्लाई करने का। तो ये सारी कुछ टिप्स प्रीवियसली जिन्होंने क्रैक किया है उन लोगों से पता चला है, और क्वेश्चंस की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी करें क्योंकि ये सिंपली डायरेक्ट टू द इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू क्रैक करते हैं आपको मिल जाए। इन्होंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स में जो आज तक देखा है वो चीज़ें यही देखी है, जिस बच्चे को रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्ट है उसके बारे में नॉलेज काफ़ी अच्छा है, और इसके अलावा जो बच्चों को इनोवेशन करने की काफ़ी ज़्यादा चाहत रहती है उन बच्चों को यहाँ ज़्यादा सेलेक्ट किया जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर है, आपकी इच्छा है इसरो में जाने की, तो ज़रूर जाकर अभी से तैयारी करना शुरू करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों हमारी वेबसाइट ज़रा दिनों के लिए डाउन है, इसके अलावा जितने भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ बताई आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप ज़रूर जाके उन्हें विजिट करें। गेट की तैयारी कर रहे हैं, इसरो की एग्जाम में भी वही पूछा जाता है, तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर अनअकैडमी को चेकआउट करें। साथ में हमारे फेसबुक में और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, और तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं आपको अलविदा।
बाय दोस्त।